नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। रागगिरी प्लेटफॉर्म है भारतीय शास्त्रीय संगीत का, भारतीय कलाकारों का, और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपकी अक्सर मुलाकात कराते हैं देश के जाने माने कलाकारों से। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं रसिका शेखर से। रसिका का जीवन यूं तो लंबे समय तक भारत के बाहर बीता है, लेकिन ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की ताकत है और ये उसके प्रति रसिका का समर्पण है कि अब वो ना सिर्फ भारत में ज्यादा वक्त बिताती हैं, बल्कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत तालीम ली है और बेहद खूबसूरत लाजवाब बांसुरी तो वो बजाती ही हैं। तो स्वागत करते हैं रसिका आपका रागगिरी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू शिवेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन रागगिरी प्लेटफॉर्म, एंड इट्स सच अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज I get to come and speak about music and about my experiences, and it's an honor actually to be on this platform here chatting with you. Thank you so much. तो रसिका, पहला सवाल तो यही जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म भारत के बाहर बीत रहा हुआ है, आपका काफी समय भी भारत के बाहर बीता है, बावजूद इसके भारतीय शास्त्रीय संगीत कैसे? जी, तो मैं पैदा हुई थी दुबई में और जब मैं 12 साल की थी तो we moved to the US. And fortunately, my mother's side of the family are all trained in Carnatic classical music. So my first guru was my aunt, my mom's sister, in Dubai. So I learned, you know, I went to class, I learned all my fundamentals from her. And when we moved to the US, I was very lucky to find my flute guru, Dr. Bhavani Prakash. And ye ek aur cheez hai ki US mein हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड स्टडी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वेरी सीरियसली। सो लकीली आई वाज यू नो एबल टू हैव दैट कम्युनिटी अराउंड मी, एंड ऑफ कोर्स टू हैव एन अमेजिंग गुरु दैट यू नो टुक मी इन एंड स्पेंट आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एवरी वीक ट्रेनिंग मी, एंड यू नो वी हैड दिस कम्युनिटी वेयर एवरीवन आल्सो परफॉर्म्ड एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। सो ये हाँ ये था कि इवन इफ आई वाज अब्रॉड एंड आई ग्रो अप अब्रॉड द कम्युनिटी देयर एंड द लव फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स हाउ यू नो इट वाज काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड the environment and opportunities to be able to learn and dig deep into Indian classical music. जी, मैं यही पूछने वाला था कि आपके घर में जरूर शास्त्रीय संगीत का जो माहौल कह सकते हैं वो चाहे आपके दादाजी रहे हों या फिर आपकी माँ हो, इन सब में संगीत के संस्कार थे और शायद वही फिर आपके अंदर इंकलकेट हुआ। जी या आई मीन ये है कि यू नो यू ग्रो अप लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक बिफोर यू इवन go to learn it or train in music. So luckily I also had my dad's side of the family who were a lot into folk music as well, and they were very encouraging towards music as well, and so that really helped. And ghar pe my grandmother, who's been the you know biggest inspiration for me, wo ek All India Radio A grade violinist hai, and she was born and brought up in Bombay. So you know, a lot of what I've learned, not only about music but also about art and how to look at music and how to think about music, was a lot of it came from her. And because of that, we had a lot of conversations at home about music, you know. She had a lot of stories to tell. She was always around to guide me, and whenever I was performing or I was preparing for a competition or something like that, so you know, she was always around, and abhi bhi mujhe wo guide karti hain. So it's, yeah, I'm just fortunate to be born into a family that loves music and also is trained in music and supports me the same way. Rasika, aap baatcheet ko aage badhayein, isse pehle आप हमारे रागगिरी के दर्शकों के लिए बांसुरी बजाना पसंद करेंगी या पहले कुछ गाकर सुनाएंगी? I'd like to play a little bit. राग पूर्वी कल्याणी का थोड़ा एक कर्नाटिक राग है, तो I'll present a little bit of that first. Thank you.
shade of pretty glaring. अच्छा, ये जब आपने बांसुरी आपने सीखी है, आप भारतीय शास्त्रीय संगीत मतलब कर्नाटिक म्यूजिक आपने सीखा है, इन सब के इंटर रिलेशंस क्या है? मतलब क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आपने बांसुरी सीखी है उसकी मदद आपको गाने में मिलती है और आपने गाना सीखा है इसलिए आप एक बेहतर बांसुरी बजाती हैं, इसका इसके इंटर रिलेशन पर आप हमें थोड़ा सा बताएं। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है बिकॉज आई हैव यू नो स्पेंट सो मच टाइम थिंकिंग अबाउट दिस एक्टिवली एंड आई वाज ऑलवेज होपिंग समवन वुड आस्क दिस, सो इट्स वेरी नाइस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा ये मानना है कि वोकल म्यूजिक लाइक टू सिंग समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट एंड एट द सेम टाइम प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो हेल्प्स यू वोकली। आई थिंक दे आर वेरी इंटर कनेक्टेड एंड दे हेल्प ईच अदर। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जब मैं गाना सीखती हूँ लाइक व्हेन आई लर्न फ्लूट माई गुरु वुड ऑलवेज सिंग द यू नो सॉन्ग लाइक सिंग द कृति, जैसे बंदिश कहते हैं हम लोग, कृति कहते हैं, शी वुड ऑलवेज सिंग इट टू मी एंड आई वुड डीकोड इट यू नो इन माई माइंड एंड लर्न इट एंड समटाइम्स ऑफकोर्स शी वुड ऑलवेज गिव मी द सरगम एंड स्टफ लाइक दैट। Over the years, because I was also singing and I was learning vocal music from my mom and my grandmother, I realized that when I had internalized a song and I was able to sing it, wo ek phrasing jo hoti hai na, the song and the lyrical component of it, that kind of channels up really nicely when you're playing an instrument. And so you're able to phrase those lyrics as well. Although, of course, you're not able to hear, as for a listener's point of view, you're not able to hear the words per se, but I still feel that the phrasing, when it's phrased well, it has a certain impact, and that happens only when you know how to sing and when you sing your you know, the things that you learn. The same way playing an instrument helps me vocally, because I don't know, I think there's a certain way that you decode stuff as an instrumentalist that kind of come in handy when you sing. Overall, मुझे लगता है कि this, you know, these are two different ways of expressing the same thing that you have inside you as an artist. जो भी expression है और जो भी आप कहना चाहते हैं music से, ये just, these are just vehicles, you know, whether it's an instrument or your voice. Both are beautiful vehicles and you just use them to express the emotion that is behind the song or your improvisation or anything. रसिका, आगे बढ़े इससे पहले कोई एक खूबसूरत गीत, गजल या कुछ भी जो आप अपनी बांसुरी से हमें सुनाना चाहें, ये आप फैसला करें, लेकिन हमें कुछ सुनाएं। ये दिस इज वन ऑफ लाइक अ वेरी वेरी फेवरेट गजल ऑफ माइन, मेहदी हसन साहब। गुलों में रंग भरे, लिटिल बिट ऑफ दैट ऑन द बांसुरी। Thank you.
अच्छा रसिका, जब ये डिसाइड किया कि म्यूजिक में जाना है और इंडियन म्यूजिक में जाना है, तो फिर जो उसका उसका जो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, घर में तो जरूर संस्कार थे जिसका जिक्र हम लोगों ने शुरू में किया, लेकिन फिर गुरु से मिलना, गुरु के साथ एक एक विधिवत तरीके से तालीम लेना, वो सफर कैसा रहा? उस सफर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी लकली आर्ट, जो म्यूजिक डांस यू नो आर्ट जो है, इन माय फैमिली इट वाज समथिंग दैट was given a lot of value, and it was like a very matlab aisa baith ke humne socha na aisa karna hai. It was like, you know, whether you take it up professionally or not, it was something that you should learn, and you should learn with all your heart and all your hard work. So while I was learning, I really had no intention of really taking it up professionally or anything. I just learned because it was something I really enjoyed. And when we found my guru, it was a very disciplined thing. We would go weekly for lessons, and but I think it was just about, you know, surrendering to the learning part of it, to learning and to, you know, digging deep into the music form itself. उसके आगे कुछ सोचा ही नहीं था, professionally करना है, you know, क्या करना है, ऐसा ख्याल भी नहीं आया था एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बस आई मीन द ओनली थिंग दैट वी न्यू वाज यू हैव टू गेट बेटर, यू हैव टू लर्न मोर, एंड रियली चेरिश द म्यूजिक, चेरिश द आर्ट, सरेंडर टू इट. एंड यू नो द मोर दैट वी डिड दिस, इट वाज जस्ट लाइक ओपनिंग अप सो मच मोर ब्यूटी. बस उतना ही, आई मीन आई वाज ऑलवेज इन दिस लाइक वेरी एक्सप्लोरेटिव काइंड ऑफ जोन. एंड same thing at home, you know, there was a lot of emphasis placed on practicing regularly and pushing yourself and, you know, performing at different small events where you, you know, play classical music, and a lot of music that we listened to also at home, and we spoke about music, and my mom was quite strict, but not in a very nice way strict, you know. She always encouraged my brother and I, my brother plays mridangam, and both of us to sit and practice together, to listen to a lot of music. So that was kind of environment, and I think somewhere in that the discipline just came through. रसिका, मैं जानता हूँ आपके बहुत मतलब गुरु की तरह भी हैं, और आपके बहुत पसंदीदा कलाकार हैं शंकर महादेवन, और मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. और उनकी जिस तरह की विविधता है, मतलब आप उनसे क्लासिकल सुन लें, आप उनसे प्लेबैक में तो मतलब खैर कहने की जरूरत नहीं है, संगीतकार तो वो लाजवाब है ही. और उनके साथ आपके वीडियोस बहुत वायरल हुए थे, मुझे याद है कुछ समय पहले, तो शंकर के साथ आपका जो एसोसिएशन है उस पर कुछ बताएं. हाँ जी, ये बताने के लिए मुझे 2-3 घंटे चाहिए होगा, बट शंकर जी, आई रियली ओ सो मच टू हिम for all the opportunities and guidance that I've gotten from him. The association and the opportunity to perform with him and to be around him while he was making music, and you know, just all the so many diverse experiences that I've had. Again, words are not enough really. He's an incredible musician, of course we all know that, but he's an incredible human being. A beautiful human being and such a down-to-earth, humble person that, you know, jitna bhi main bolu, it's not enough. I've really had the good privilege and honor to learn so much just being around him. That video, of course, went viral, and it's been great. I mean, all the love that we've gotten for that video has been really very humbling actually. I think that happened only because Shankarji is such a musician, such an artist, that he allows for you know, other people on stage to really flourish, and he really encourages people on stage, off stage, musicians, new musicians, just musicians who are just entering, and that's why he is who he is. And he gave me that opportunity to, you know, present my music, and I think it really happened because that environment on stage was so amazing. Shankar Asan Loy, all three of them are just beautiful souls, and it's extremely encouraging, and it's just feels like really home. It just feels
amazing to be on stage with them because you can really, you know, you can really express yourself musically, and they're very, very welcoming to that. And so, you know, there's just immense gratitude for that opportunity. And I really look up to him as a mentor, as a guiding force, and as a guru also. I learned so much about music and otherwise as well from him. So, yeah, my eternal like gratitude to all of them for that. रसिका, यूं तो किसी कलाकार से ये पूछना कि आपका आपके पसंदीदा कलाकार कौन से हैं उसके लिए उसे मुश्किल में डालने जैसा है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नाम, वो नाम जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों को जिनको आप सुनती रही हो बचपन से लेकर आज तक. जी, राशिद खान साहब इज वन ऑफ माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट आर्टिस्ट, क्योंकि मैं जब यू नो कर्नाटिक म्यूजिक सीख रही थी एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट्स ऑल आई रियली लिसन टू, जब कॉलेज में थी तो आई डिस्कवर्ड राशिद खान साहब म्यूजिक एंड द इंटायर लाइक फ्रॉम देन ऑन, लाइक जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी जब भी फ्री टाइम मिलता था तो फॉर आवर्स एंड आवर्स आई वुड जस्ट लिसन टू हिज यूट्यूब वीडियोज एंड रिकॉर्डिंग्स, एंड जहाँ पे भी सीडी मिल गया तो बस यू नो फॉर लाइक आवर्स आई यूज टू लिसन टू हिज, एंड देन आई वुड ऑल्सो वॉच हिज लाइव कॉन्सर्ट्स ऑन यूट्यूब बिकॉज आई डोंट नो इट वॉज जस्ट इट वॉज टू मैजिकल एंड आई लर्न सो मच जस्ट ऑब्जर्विंग हिम एंड ऑब्जर्विंग हिज वे ऑफ सिंगिंग. एंड बहुत रोती थी भी, यू नो, बिकॉज इट वॉज जस्ट समथिंग दैट रियली टच माई हार्ट एंड आई लव हिज म्यूजिक एंड इट्स रियली बिन, ही इज समवन आई हैव लिसन टू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द रीजंस दैट आई ऑल्सो वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड आई डिसाइडेड टू कम टू मुंबई टू लर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. सो राशिद खान साहब इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट. अच्छा रसिका, ये जो शास्त्रीय संगीत सुनना या अच्छा संगीत सुनना, ये एक कलाकार के लिए कितना जरूरी है और क्या उस कलाकार के जो की मैच्योरिटी का जो प्रोसेस होता है, क्या उसमें अच्छा संगीत सुनना कुछ हेल्प करता है, और अगर हेल्प करता है तो क्या हेल्प करता है? आई विल टेल यू दैट जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना सिंगिंग और योर इंस्ट्रूमेंट और समथिंग, आई थिंक इट्स एज इम्पोर्टेंट इफ नॉट मोर टू लिसन टू अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिक एंड लिसन इंटेंटली. जैसे एक होती है कि पैसिव लिसनिंग करना और एक्टिव लिसनिंग करना, आई फील एक्टिव लिसनिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड आई कैन नॉट टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. आई फील लाइक हाफ द म्यूजिक और मोर देन हाफ ऑफ द म्यूजिक दैट आई हैव इन माय सिस्टम इज आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स दैट आई पुट इनटू लिसनिंग टू म्यूजिक. मैं जब कॉलेज में थी तो आई यूज टू ड्राइव हाफ एन आवर टू कॉलेज एंड हाफ एन आवर बैक एवरी डे फॉर दोज फोर इयर्स एवरी डे और वेयर एवर आई यूज टू ड्राइव. एक्चुअली आई वुड लिसन टू म्यूजिक एंड लिसन टू गुड म्यूजिक. आई एम टॉकिंग अबाउट सीडीज फ्रॉम यू नो आमिर खान साहब एंड के वी नारायण स्वामी. आई मीन सो मेनी नेम्स. मेहदी हसन साहब, दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड मेहदी हसन साहब. आई फाउंड अ सीडी इन माई कार एंड the amount of hours I've you know spent listening to him, I feel like it really you know kya hota hai ki we just the music really settles in your system and we don't understand at that point how important it is, but when you start performing, when you start really you know collaborating with different artists, you there's somewhere all that music really starts channeling outside and at the same time of course your ear is also getting trained. So I cannot emphasize or I cannot tell you how important listening is and listening to good music is. That's why listening to classical music is very, very helpful and it's very beautiful. The more you listen to it, actually, the more engaging it is and the more you can actually really seep into it. So personally, I feel listening is as important, if not more, than practicing your you know instrument. रसिका, आपने बॉलीवुड पे आते हैं और आपके जो भी पसंदीदा गायक हो, गायिकाएं हो, उनका आप कुछ एक चाहे दो दो तीन तीन लाइन ही सुनाएं, लेकिन कुछ गाने, कुछ मुखड़े अगर आप गुनगुनाएं तो हमारे ये जो बातचीत है उसमें संगीत का सफर साथ साथ चलता रहेगा. यू नो जस्ट इमीडिएटली ये याद आ रहा है वो लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो
लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात लग जा गले अच्छा रसिका, जैसा इस इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने कहा था कि आपका तो जन्म और आपका काफी समय भारत के बाहर बीता है, अब अमेरिका में अगर मैं कहूं तो वहां किस तरह का क्रेज है भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर, और क्रेज के साथ साथ स्कोप किस तरह का है, जिस तरह की बातचीत जो जो वहां का कल्चर है उसमें किस तरह से कितना घुला मिला आप पाती हैं हमारे संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को? Yeah, like I was saying, you know, in the beginning, that community of Indian classical music lovers is huge and very, very strong. Lots of scope to do it because there's a lot of organizations in all, you know, different states. And there's constantly events happening every weekend. And I'm saying multiple events happening every weekend. तो मैं जब वहाँ थी हम लोग सुबह एक इवेंट के लिए जाते थे, इवेंट पर इवेंट आई एम सेइंग यू नो देयर इज प्रोबब्ली अ सभा और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट्स डूइंग अ कॉन्सर्ट और अ ग्रुप कॉन्सर्ट समथिंग लाइक दैट, सो वी वुड गो इन द मॉर्निंग एंड देन वहाँ से इवनिंग पे यू नो कहीं और, सो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एजेस ऑफ परफॉर्मर्स, वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, वेदर यू आर लिटिल चाइल्ड स्टार्टिंग आउट, और यू नो यू बीन लर्निंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू सिंगिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू वांट टू सिंग एंड यू नो कोलैबोरेट विद डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिशियंस, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड जो जो क्रेज है ना, लव है, इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी true, it's very authentic, people really love it and people have very you know intense discussions about it and stuff like that, and even if you go for example if you go to New York also you have a very diverse audience that you'll find that come and show a lot of interest towards Indian classical music. There's a lot of people who are not Indian but they also learn Indian classical music, which is great, you know, because again the resources and the opportunities are plenty abroad. रसिका, आपका काफी क्लोज एसोसिएशन रहा जिन्हें हम लोग प्यार से गजलों का सम्राट भी कहते हैं, उस्ताद गुलाम अली साहब के साथ, और एक तो वो किस तरह का एसोसिएशन रहा, क्या कुछ सीखने को मिला, और दूसरा एक गुजारिश कि कोई एक गजल गाई हुई गुलाम अली साहब की जो आप हमें सुनाना चाहें। जी, मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि आई गॉट अ चांस टू टूर विद द लेजेंडरी गुलाम अली खान साहब. And, you know, I never find enough words to express what it really truly meant for me and how much I got out of that experience. Kyunki at that point, main sirf, you know, I was just starting out performing and on this path of taking music a little more seriously. Or that kind of an opportunity at that point of time was, I mean, unbelievable, because I got to tour with him. I got to, you know, लर्न फ्रॉम हिम वेरी क्लोजली, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. जब हम टूर करते थे तो बहुत लंबी लाइक राइड यू नो ड्राइव्स रहती थी, लाइक 6 hours, 7 hours. तो वहाँ पे ड्यूरिंग द कार राइड्स ही वुड टीच मी अ लॉट ऑफ यू नो स्मॉल इंट्रिकेट स्टफ, लाइक कहाँ जो कौन से लव्स पे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे करना है, और राग के हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हैं, लाइक यू नो बेसिकली अबाउट इम्प्रोवाइजेशन एंड हाउ यू कैन स्ट्रक्चर अ गजल. एंड व्हेन वी वर यू नो ड्यूरिंग द वीक डेज व्हेन वी डिडंट हैव गिग्स, मैं जाती थी और ही वुड प्ले एंड देन जस्ट आस्क मी टू सिंग एंड देन यू नो ही वुड काइंड ऑफ करेक्ट मी हियर एंड देयर. सो दैट वाज रियली रियली प्रेशियस फॉर मी. एंड इनडायरेक्टली भी यू नो हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं जब टूर करते हैं एक आर्टिस्ट के साथ, जैसे कि हिज ह्यूमिलिटी, हिज जस्ट फन लविंग नेचर, हिज वेरी डाउन टू अर्थ यू नो फ्रेंडली नेचर विद पीपल. देर वॉज नो एयर, इट वॉज सो हीज जस्ट वेरी सिंपल एंड सच अ ब्यूटिफुल सोल. सो इवन टू सी ऑल दैट यू नो रियली एस्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉज वेरी इंस्पायरिंग, बिकॉज यू काइंड ऑफ You know, or you kind of understand that music is at the top of everything, and we are just surrenders. We just have to surrender to the music.
और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके अंदर रूह है, आप रूह के साथ गाते हैं और तुम्हारे अंदर एक रूह है. यू नो दैट वाज अ सेंटेंस दैट ही टोल्ड मी, एंड ऑनेस्टली दैट सेंटेंस फॉर मी वाज आई थिंक द बिगेस्ट रीजन दैट आई डिसाइडेड टू टेक दैट प्लंज एंड टेक म्यूजिक मोर सीरियसली. सो या आई मीन इट वाज जस्ट सो सो ब्यूटिफुल. वन वेरी क्विक गज़ल आई लव टू सिंग इज रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी करेंगे आप भी पैरों इसी तरह. रसिका, इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले एक गुजारिश तो ये कि आप अपनी पसंद की कोई चीज जो आप सुनाना चाहती हो हमें जरूर सुनाएं, और साथ में ये भी बताएं कि इन दिनों आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो समय है जिस तरह से हम जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीजें स्टक हैं, उसमें किस तरीके से आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं उनसे उनके बारे में हमें बताएं. या ड्यूरिंग द लॉकडाउन पैंडेमिक के टाइम पे मैं आई रिलीज्ड टू और थ्री ओरिजिनल म्यूजिक ओरिजिनल कंपोजिशंस ऑफ माइन, एंड उसमें टू ऑफ देम वर इंस्ट्रूमेंटल which I had composed when I was studying in Spain, and the other one was a Tamil song. Tamil is my mother tongue, and it's a song called Yavum, and we shot a video for it. Or mere YouTube channel mein hai wo. And those are the projects that I'm working on right now. There's you know, some compositions and collaborations that are in the pipeline. I've also been learning, and jahan pe thoda you know different forms of music hai, jaise Irish music hai. There's a piece that I was working on during the lockdown. So I'll just play a very quick bit for you. It goes something like this. Irish tune that I learned, I really loved it. I wanted to know how they, you know, unke jo ornamentation hai wo kaise karte hain aur kahan se aaya, so I was just trying a little bit of that. रसिका, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही रागगिरी के तमाम शुभचिंतकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे, संगीत के प्रति आपका समर्पण यूं ही बना रहे, और आप एक बेहतर और बेहतर कलाकार बनती जाएं, ऐसी शुभकामनाएं रागगिरी की तरफ से. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much to Raggiri for having me here. It was such a pleasure to chat with you on these lovely questions and gave me an opportunity to share my experiences with this. Thank you so much.